नमस्कार जी। मीडिया के इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम राजस्थान कारण में आपका स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम वैष्णव। राजस्थान में चुनावी जंग का मैदान सज चुका है। सियासी दलों ने अपने राजनीतिक योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है और इसी चुनावी जंग का जायजा लेने आज हम राजस्थान कारण के माध्यम से मेवाड़ की धरती में हैं। मेवाड़ की धरती शूरवीरों योद्धाओं की धरती है। राणा सांगा से लेकर के राणा प्रताप की इस धरती ने बाबर से लेकर के अकबर तक को दांतों चने चबवा दिए थे। आज झीलों की नगरी में हम इसी रण का मैदान लेकर के आए हैं। नए जमाने के योद्धा हमारे साथ हैं और इनके भाग्य का निर्णय करने वाली जनता हमारे बीच है। आइए दोनों का आमने सामने मुकाबला हो जाए। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं राजस्थान के मंत्री माननीय घरासिया जी और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता श्रीचंद कृपलानी जी, और उसके अलावा हमारे साथ एक बहुत गणमान्य व्यक्तियों का पैनल मौजूद है जिसमें चपलोस साहब हैं, सुखाड़िया मैम हैं, वो एक्स एमएलए हैं, पार्टियों के जिलाध्यक्ष हैं। इन सब की राय हम जानेंगे। हम इस प्रोग्राम को शुरू करें उससे पहले देखते हैं मेवाड़ के राजनीतिक हालात और राजनीतिक परिस्थितियों को बयां करने वाला ये पैकेज। राजस्थान में चुनावी रणभेरी बच चुकी है। मरुधरा के इस चुनाव संग्राम में मेवाड़ का अहम स्थान है। मेवाड़ यानी राजपूतों की धरती, मेवाड़ यानी महाराणा प्रताप की कर्मभूमि। 6 जिले और 28 विधानसभा सीटों से सजे उदयपुर संभाग में काफी बड़ा इलाका आदिवासियों का है। आदिवासी समाज ने सियासत के बड़े बड़े सुरमाओं को पटखनी देने में कई बार अपनी भूमिका निभाई है। 2008 विधानसभा चुनाव में उदयपुर संभाग के 28 सीटों पर नजर डालें तो 20 सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है, जबकि बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 6 सीटें आईं। एक सीट पर जेडीयू ने कब्जा जमाया, एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। पुराने आंकड़े बताते हैं कि उदयपुर संभाग में हर बार चुनावी सीजन में सबसे ज्यादा उथल पुथल होती है। 2008 के उलट 2003 के विधानसभा चुनाव के वक्त उदयपुर संभाग में सियासी समीकरण एकदम जुदा था। 2003 विधानसभा चुनाव में उदयपुर संभाग में बीजेपी का कमल खिला था। उस वक्त संभाग में सीटों की संख्या 30 थी। 2003 का विधानसभा चुनाव, 2003 में उदयपुर संभाग की 30 सीटों में से 21 सीटें बीजेपी के हाथ में रही। सिर्फ 7 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई, जबकि 2 सीटों पर अन्य दल काबिज थे। बीते 3 बार के चुनावी आंकड़े बताते हैं कि सत्ता की कमान उसी पार्टी के हाथ रही है जिसका उदयपुर संभाग की सीटों पर सबसे ज्यादा कब्जा रहा है। राजस्थान के रण में एक बात और खास होती है कि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यानी सत्ता विरोधी लहर बखूबी अपना काम करती है। उदयपुर संभाग के चुनावी मुद्दों की बात करें तो उदयपुर में हाईकोर्ट की बेंच के गठन की मांग काफी पुरानी है। 2008 में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को जगह भी दी थी। इस बार भी हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा चुनाव में राजनीतिक दलों की नाक में दम जरूर करेगा। लेक सिटी उदयपुर में झीलों में लगा गंदगी का अंबार और सीवेज की सही निकासी नहीं होने से लोग बेहद परेशान हैं। टूटी फूटी सड़कों ने भी लेक सिटी के चेहरे पर दाग लगा दिया है, लेकिन अब स्थानीय लोग इसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़ जिले से विकास कोसों दूर है। आदिवासी इलाकों में आधुनिक सुविधाओं का पहुंच पाना अभी भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। जंगलों के लिए रिजर्व जमीन को भू माफियाओं ने हथिया लिया है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ आदिवासियों में भी आक्रोश है। उदयपुर संभाग के चित्तौड़गढ़ जिले में सरकार की तमाम योजनाओं और घोषणाओं के बावजूद लोगों को फायदा नहीं मिला। टूटी लड़खड़ाती सड़कों ने बांसवाड़ा का बुरा हाल कर रखा है। इलाके में जाने पर यह समझ में ही नहीं आता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। चित्तौड़गढ़ में स्वास्थ्य सुविधाएं उसी अनुपात में नहीं बढ़ी हैं, जिस अनुपात में रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। स्टाफ की कमी मरीजों के मर्ज को दोगुना कर देती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के योद्धा चक्रव्यूह को भेद कर मेवाड़ की सीटों पर फतह हासिल करने के लिए जोर लगा रहे हैं। बीजेपी 2003 का इतिहास दोहराने की तैयारी में है तो कांग्रेस 2008 में किए गए वादों को जल्द से जल्द पूरा करने को उतावली है, लेकिन इस उठापटक के बीच जनता सब जानती है। राजस्थान के रण के
चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं। पिछले 5 साल से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का शासन है, बहुत सारे वादे और लंबे चौड़े इरादे दिखाकर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। क्या किया मेवाड़ के लिए कांग्रेस ने? सबसे पहले मांगीलाल जी गरासिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास ये रहे, आईआईएम की स्थापना यहां पर हो पाई और हमें कहते हो प्रसन्नता है कि ये जिलों की नगरी का मामला है। आज देवास की स्थिति को हम नजर उठाकर देखने का काम करें तो हमारे पुराने नेता जिस तरह से माने सुखाड़े ने जिस तरह से नींव रखने का काम किया और हमें कहते हो प्रसन्नता है कि 317 करोड़ रुपए देवास के लिए इस पानी को उदयपुर लाने के लिए एक नया आयाम स्थापित करने में। मेवाड़ में सालों से कांग्रेस पार्टी सुखाड़िया जी की लगाई हुई फसल काट रही है, कितने साल काटोगे? निश्चित तौर से काटने का समय हमारा है और काटने के लिए इसीलिए नया आयाम इसीलिए कह रहे हैं कि सुखाड़िया जी ने जिस स्टेज को शुरू किया और उन्हीं का परिणाम है कि आज उस पर एक बहुत बड़ी शानदार बिल्डिंग की स्थापना करने का काम यदि कांग्रेस के आधार पर हुआ है वो हम भूल नहीं सकते। कृपलानी जी, मेवाड़ के अंदर आप पूरा घूमते हैं, सुखाड़िया जी के बाद कुछ हुआ मेवाड़ में? देखिए, राजस्थान में सुखाड़िया जी के बाद अगर ईमानदारी से हम देखें तो इस मेवाड़ में भैरव सिंह जी शेखावत साहब जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, राजस्थान में शेखावत साहब ने कई योजनाएं चलाई, चाहे वो काम के बदले अनाज योजना हो, अंत्योदय योजना हो, और उसके बाद वसुंधरा जी का राज आया। वसुंधरा जी के राज में भी इस देवास योजना जिसका ये जिक्र कर रहे हैं उसकी शुरुआत वसुंधरा जी ने की, पैसा वसुंधरा जी ने दिया। शेय अगर आप ले रहे हो तो कोई बात नहीं। और आज अगर राजस्थान की स्थिति हम देखें, मेवाड़ की स्थिति हम देखें, तो मुझे बड़ी तकलीफ है मेरे मन में इस बात की कि राजस्थान का काशकार वसुंधरा जी के टाइम में जिसको सिंगल फेज की 20 से 22 घंटे बिजली मिल रही थी आज 4 घंटे बिजली नहीं मिल रही, जिस काशकार को एग्रीकल्चर की 8 घंटे बिजली मिल रही थी आज उस काशकार को 2 घंटे बिजली नहीं मिल रही। अगर हम सड़कों के क्षेत्र में देखें, अब मंत्री जी से पूछ लें भली कि माननीय गहलोत साहब के राज में पिछले 5 वर्षों में 9,000 के आसपास किलोमीटर सड़कें आपने बनाई, वसुंधरा जी के राज में 5 साल में 40,000 किलोमीटर सड़कें हमने बनाई। शिक्षा के क्षेत्र में किया क्या इन्होंने? पहली क्लास के बच्चों से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को बिना पढ़े लिखे पास हमारे देश की आने वाली पीढ़ी को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको निवेदन करूं कि मैंने पिछले दिन अखबार में एक न्यूज पढ़ी जिसमें लिखा था एक अध्यापक अपनी कॉपी जांच रहे थे बच्चे की, तो उसमें कॉपी में कुछ लिखा था, उसने अपने जिला शिक्षा अधिकारी को फोन किया कि सर इस कॉपी में कुछ नहीं लिखा, तो जिला शिक्षा अधिकारी उनसे पूछते कि रोल नंबर लिखे कि लिखे पास करते दे रखा जाता, सरकार ने कह रखा अब इस आधार पर अगर पास किया जाएगा तो आने वाली पीढ़ी हमारी क्या स्थिति होगी आप कल्पना कर सकते हो। हमारे इस मेवाड़ का क्षेत्र अफीम का क्षेत्र है, हमारे जितने सांसद है मेवाड़ में सब कांग्रेस के सांसद है, उसमें कुछ नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन राजस्थान की सरकार जिस राजस्थान की सरकार के पास एक्साइज डिपार्टमेंट है डोडा चूरा है, हमारे अफीम के भाव वसुंधरा जी के टाइम में 45-50 साल तक कांग्रेस के राज में 2 रुपए किलो भाव था, हमारी सरकार ने उस भाव को 100 रुपए तक पहुंचाया, आज हमारे काश्तकारों को डोडो चूरे का 2-2 साल तक पेमेंट नहीं हो रहा है, स्थिति हो रही है हमारी। इलाके की समस्याएं बहुत है और इस आदिवासी क्षेत्र में जितना वसुंधरा जी ने काम किया, बच्चा कॉपी खाली छोड़ के पूरे मेवाड़ के आदिवासी पास हो गया, वसुंधरा जी ने काम किया, चुनाव में जनता एग्जामिनर है, क्या सत्ता ने कॉपी खाली छोड़ी है तो आप उसे जीतने का मौका दोगे क्या, उसे पास करोगे क्या? यह निर्णय करने की ताकत जनता की होती है। आप कॉपी अगर खाली है तो पास मत कीजिएगा। अभी तो क्या आपने कॉपी में कुछ लिख पाए गरासिया जी? निश्चित तौर से कॉपी की जहां पर बात कर रहे हैं अभी श्री संजय कृपलानी जी हमारे बीच में है, कृपलानी ध्यान है आपको जिसकी बात आप कर रहे हैं, आपको ध्यान होना चाहिए इस बात के लिए कि माननीय हमारा देवास की जो बात कर रहे हैं उसमें 317 करोड़ का आंकड़ा उठा करके देखे तो मालूम आपको पड़ जाएगा कि 317 करोड़ में किस किस राज ने कितना पैसा देवास को देने का काम किया। इस कॉपी पर जनता के मंच पटल पर रखने वाली कॉपी पर हम देखने का काम करें, देश और दुनिया को ध्यान है कि राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब ने एक के बाद में एक जन कल्याणकारी योजना की शुरुआत और जिस कॉपी में लिखी है, जिस कॉपी में लिखी है माननीय कॉपी को आप देखने का काम कर रहे हैं, 350 एक के बाद में गरासिया जी को मौका देते हैं। गरासिया जी
मंत्री जी, लोग ये कहने लगे हैं कि अशोक जी ने आखिर में कुंजी और पासबुक पढ़ करके और पास करने की कोशिश करी है एग्जाम को, पूरे 5 साल मेहनत के बजाय आखिर में कुंजी और पासबुक पढ़ रहे हैं। प्रश्नकर्ता को ध्यान है, मैं प्रश्नकर्ता को भी जानता हूं, लोग भी जानते हैं और हमारा भाई भी जानता है किसने नकल की, कितना प्रदर्श सामने आया, वो प्रदर्श हमारे आने वाले वक्त में जनता जवाब देगी। परंतु सही मायने में अगर हम डिस्कस करके काम करें तब मालूम पड़ेगा कि वाकई में राजस्थान एक के बाद में एक जन कल्याणकारी योजना का लागू किया। 350 तरह की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब के राज में एक नए आयाम को प्राप्त करने के लिए एक नए आप बोलने का काम करा उसे मैं करना राजस्थान में हमारे पास में हमारे राजस्थान में आदर्श स्थिति में अगर राजस्थान में आदर्श स्थिति में अगर ये योजनाएं अगर लागू हो जाती हैं तो हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य में राजस्थान होता। लेकिन देर से आए पर लगता है दुरुस्त आए थे। निर्णय अब जनता को करना है, अभी मौका है ब्रेक का। ब्रेक से जब लौटेंगे तो इस जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अशोक गहलोत की सरकार देर से आई पर दुरुस्त आई थी और क्या निर्णय करेगी यहाँ की जनता। अभी रुक रहे ब्रेक के लिए, ब्रेक से जब लौटेंगे तो जानेंगे आपकी राय। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 है की बोलचे ओ तेरी 60 की बात कर रहे हो 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। खाप सा लग रहा है चंचल ये उड़े पवन यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एसएसपी में कैल्शियम फास्फोरस और सल्फर होता है जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। जमके खाओ खूब पचाओ माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासो खून की कमी को दूर करे तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासो। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट टॉप्स जैम लाइफ में लाए मजा। मम्मी मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल क्लिनिक प्लस सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। अच्छी वाली चाय हो जाए मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आय हाय ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा छाल, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। दीवारों पे पपड़े से परेशान, पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित यानी पपड़ी की छट्टी। मेरी सुंदरता का राज विट्रो के 100% ऑर्गेनिक व नेचुरल प्रोडक्ट्स, एलोवेरा जेल क्रीम शैम्पू एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स। राजस्थान सराफा संघ की जनता के हितों की रक्षा के लिए पहल, त्योहारों के अवसर पर लीजिए राजस्थान सराफा संघ के प्रमाणित 99.5% शुद्ध सोने के सिक्के व 99.7% शुद्ध चांदी के सिक्के जो कि संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध हैं। राजस्थान सराफा संघ का मार्का देखकर ही खरीदें। रोन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन नई शर्ट नहीं पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटाए नई जैसी सफेदी और जगह छीनी नहीं जाती बनानी पड़ती।
इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन है। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। MDH ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले राजस्थान के मंत्री गरासिया जी कह रहे थे कि पूरे 5 साल मेहनत हुई। विपक्ष का आरोप है कि 4.5 साल बैठे रहे, 6 महीने में कोशिश हुई। चलते हैं, हमारे साथ गणमान्य लोग बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है उनकी राय। मैं शुरू करना चाहूंगा, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री चपलो साहब बैठे हैं। आपके दौर से लेकर आज तक कहां है मेवाड़ जहां सुखाड़िया जी छोड़ के गए थे, उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने जरूर काम किया है। जहां तक गहलोत साहब का सवाल है, मेवाड़ के लिए उनकी उपलब्धि नगण्य है, साइफर है। कोई काम उन्होंने नहीं किया है। जिस योजना के लिए कह रहे हैं वो योजना शेखावत साहब ने और माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने उन्होंने चालू किया। सुखाड़िया जी का पत्थर जरूर था और एक बार शिवचंद जी माथुर का मैं गया था, शिवचंद माथुर जी का पत्थर जरूर पड़ा हुआ था, पर वो पत्थर 20 साल तक धूल झाड़ता रहा। उदयपुर में जो काम नहीं हुआ है, जोधपुर के केवल जोधपुर सिटी के चीफ मिनिस्टर हैं, सम दृष्टि से सारे राजस्थान को चीफ मिनिस्टर नहीं देख रहे। नीलमा जी, कब तक सुखाड़िया जी की विरासत के नाम पे वोट मांगेंगे? आज गरीब जनता को आप जाकर के पूछिए, उनके नाम को अभी तक नमन करते हैं और नाम लेते हुए उनकी आंखों में पानी आ जाता है, जो कुछ उन्होंने अपने जीवन काल में। आगे की बात मैं करूं कि शायद उन्हीं के ही पदचिन्हों पे, उन्हीं की सोच के सहारे आज हमारे मुख्यमंत्री गहलोत साहब चल रहे हैं। आज उन्होंने मेवाड़ के लिए पानी दिया। आज मुख्यमंत्री मेवाड़ का इलाका आदिवासी इलाका है और यहाँ की बहुसंख्यक सीटें आदिवासी समाज तय करता। हमारे साथ में मीणा मैम है जो कि विधायिका है। आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या करवा पाए आप आदिवासी समाज के लिए और क्या अपने 5 साल के कार्यकाल से खुश हैं आप? 5 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ किया है कि जगह जगह हमारे महाविद्यालय खोले गए हैं और जगह जगह सभी भाइयों को पेंशन दिया जा रहा है और जगह जगह कई सारी स्कूलें खोल दी गई है, कई सारे हॉस्पिटल खोल दिए गए हैं। इसमें युवा नेता अशोक जी भी हैं, क्या कुछ हुआ भारतीय जनता पार्टी से? आप रिश्ता रखते हैं, ग्रामीण जो उदयपुर का इलाका है, क्या ग्रामीण इलाके के अंदर कुछ काम हो पाया? मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जहां तक ये सवाल है कि जनता को जिस प्रकार की रेवड़ियां बांटी गई, सस्ते में गेहूं दिए गए, बिल्कुल 1 रुपए किलो गेहूं दिए गए, और जिस प्रकार के लिए बच्चों के लिए शोषण किया गया है, ये समझिए कि समाज किस प्रकार से आगे आएगा। आप इसका अंदाजा लगाइए कि जैसा भाई साहब ने बताया अभी कि एक खाली कॉपी लिखने के बाद भी बच्चे को पास कर जाता है, हमारी नींव ही कमजोर हो जाएगी तो उसका भविष्य क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। करासिया जी, मेवाड़ के इलाके के अंदर आज कांग्रेस पार्टी, क्या कोई 3 मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के कह सकती है कि हम 3 काम हमने आपके लिए किए और उसके दम पे आप हमें वोट दीजिए? आज ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना मेवाड़ की धरती पर होने का काम हुआ, IIM यहाँ पर होने का काम हुआ, नगर निगम जहाँ पर नगर निगम के जिस परिसर में आप और खड़े हैं, आज जो दर्जा नहीं मिला है नगर निगम को, वो एक उदाहरण बन करके हैं। IIM की यहाँ स्थापना करने का काम किया। आज जहाँ पर आप बात करें महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय की जिस तरह से स्थापना करने का काम किया, ये बड़ी बात है, ये कम बात नहीं है। आज हम ये मानते हैं, आज हम ये सब हमारे सब भाई यहाँ पर बैठे हैं, आज तमाम साथी यहाँ पर बैठे हैं, वो सब जानते हैं इस बात को लेकर के। और आज पूरे राजस्थान की मैं बात करूं, 9,177 ग्राम पंचायतें उसी को आधार मान करके देखें, भारत सरकार ने प्रशंसा की है PMJSY में। आज राजस्थान
पूरे अन्य प्रदेशों में अव्वल रहा है, कृपया प्रदेश में अव्वल रहा है, उन्हीं का कारण रहा है। चित्तौड़ राजस्थान में एक तरीके से औद्योगिक कैपिटल के तौर पर जाना जाता था, जो समग्र विकास की बात होनी थी। बीच में एक बार बात निकल करके आई थी कि एक तरीके से सेज यहाँ डेवलप किया जाएगा, वो सब नहीं हो पाया। आपके राज में भी नहीं हुआ, आपके राज में भी नहीं हुआ, अभी भी हालात वही है। मार्बल इंडस्ट्री को हमारे राज में छूट दी गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी का राज था। उसके बाद जो जिस टेक्सटाइल जोन की आप बात कर रहे हैं, वो टेक्सटाइल जोन वसुंधरा जी के टाइम में उसका धारा 4 धारा 6 लागू हो गया, गहलोत साहब के राज में आकर रुक गया, जो भिलवाड़ा और चित्तौड़ के बीच में था। ऐसे कई काम मैं बता सकता हूँ, लेकिन जिन सड़कों की बात ये कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि राजस्थान में वसुंधरा जी के टाइम में 40,000 किलोमीटर सड़कें बनी है, ये ऑन रिकॉर्ड है। और अशोक गहलोत के टाइम में 9,000 और समथिंग कुछ सड़कें बनी है, उससे जो बंदा लगा लो 5 साल में क्या स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है, सड़कों का श्रेय मंत्री जी आप ले रहे हो, ये तो देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने, जिन्होंने इस देश के गांव में सड़कों का निर्माण किया। आपके किसी प्रधानमंत्री ने ध्यान नहीं दिया, इस देश को परमाणु ताकतवर मुल्क अटल जी ने बनाया। जिस मोबाइल टेलीफोन को लेकर आप घूम रहे हो ना, ये अटल जी की देन है। मैं पूर्व सांसद भाई श्री चंद कृपाणी जी से पूछना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ से जीतने के बाद आपने क्या किया। मैं पूर्व सांसद चित्तौड़गढ़ से जीतने के बाद इन्होंने ये किया, चित्तौड़गढ़ की सरजमी पे आप चले जाए, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा हर क्षेत्र में जाता हूँ। ये कांग्रेस बीजेपी दोनों आपस में एक गुट है, दो चोर चोर मौसेरे भाई है, जनता का काम न करने वाले। मैं तो राजस्थान में बदलाव तीसरी मोर्चे के पक्ष में हूँ। मंत्री जी आपसे सवाल है मेरा। मंत्री जी, आप मेवाड़ से सब छीन के ले गए, मेवाड़ को दिया क्या, यह बताए आप, क्या दिया अशोक जी ने मेवाड़ को, क्या दिया ये बताए। जो भी था मेवाड़ से छीन के ले गए, पासपोर्ट कार्यालय छोटा सा कार्यालय होता है वो तक ले गए आप मेवाड़ से। ग्रासिया जी, अरे एक मुद्दा तो बार बार यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस तक था, वो भी आप लोग यहाँ से लेकर के चले गए। यहाँ के लोगों को जयपुर जोधपुर तक की यात्रा करनी पड़ती है। उदयपुर के लिए एक अलग इलाका है, इकोनॉमिक जोन भी यहाँ पर अपना है, उसकी एक बड़ी मांग थी। आम आदमी कह रहा है कि जो विकास की बात है उसके अंदर कहीं ना कहीं उदयपुर थोड़ा सा जयपुर और जोधपुर से दूर रह गया। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ये कहने की जरूरत नहीं है, किसी को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। पासपोर्ट का ऑफिस का प्रश्न जहां पर आया, निश्चित तौर से जहां पर कहीं कमी बेसी आती है तो उनका निराकरण करने का काम करें। परंतु मेरा एक निवेदन है, आज हम देखें, आज जब लोग अपने धरातल की बात को यहां पर प्रदर्शित करने का काम अपने आप में स्वतः कर रहे हैं कि जहां पर दवा की जो भी बात निकल कर आई, पूरे राजस्थान में निशुल्क दवा वितरण का प्रोग्राम किया, एपिसेट किया, एक पूरा 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 उदाहरण देकर के आज पूरे राजस्थान में एक नया आयाम स्थापित करने का काम किया। राजस्थान में फ्री दवा है, फ्री आदमी को, फ्री जांच है, लेकिन एक दिक्कत है कि जब अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर वहां नहीं होता। कौन दवा लिखेगा, कौन जांच करेगा, क्योंकि डॉक्टर्स की बहुत बड़ी तादाद में राजस्थान में कमी है। हाँ, मेडिकल कॉलेज जितने खुलने चाहिए थे उतने नहीं आए, इसलिए डॉक्टर कम है। इस मुद्दे पे भी हम बात करेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे और विपक्ष से भी पूछेंगे कि 5 साल पहले तो आप ही थे, आप कहां थे, आपने क्या किया। अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से जब लौटेंगे तो वापस जनता पूछेगी अपने रणबांकुरों से कि इस चुनाव के रण में वो जीतेंगे या मात खाएंगे। बीकानेर से 8 किलोमीटर दूर है देवी कुंड, जहाँ बीका राजाओं की स्मारक छतरिया बनी है। दूर से देखने में एक जैसी छतरिया काफी आकर्षक लगती है। कुछ का निर्माण लाल पत्थर से किया गया है तो कुछ सफेद संगमरमर से तराशी गई है। इन सभी छतरियों पर कलाकारी की अद्भुत मिसाल देखने को मिलती है। जो छतरियाँ लाल पत्थर से बनाई गई हैं, वो प्राचीन काल के राजाओं की स्मारक छतरियाँ हैं, और सफेद संगमरमर की छतरियाँ बाद के राजाओं की स्मृति में
बनवाई गई थी। दुलमेरा से लाए गए लाल पत्थर की छतरियां देखने में काफी आकर्षक हैं और इन पर सफेद संगमरमर से लेख खुदे हुए हैं। कुछ छतरियों पर घोड़े पर बैठे राजाओं की मूर्तियां बनाई गई हैं और इन्हीं के आगे की छतरियों पर राजाओं के साथ सती होने वाली रानियों की आकृतियां बनी हैं। और छतरियों के नीचे वाले हिस्से पर कुछ लेख प्रशंसा में लगाए गए हैं, जो राजा और रानियों के जीवन में लिए गए अहम निर्णयों की झलक पेश करते हैं। कुछ छतरियों को छोड़ दिया जाए तो बाद में बनी सभी छतरियों पर राजाओं या रानियों के स्वर्गवास का समय भी वर्णित किया गया है। सभी छतरियों में सबसे उल्लेखनीय है महाराजा राज सिंह की छतरी, जिस पर उनके साथ संग्राम सिंह नामक एक व्यक्ति का नाम भी खुदा है, जो महाराज की स्मृति में जलकर मर गया था। इस स्थान पर सती होने वाली अंतिम महिला की छतरी भी बनी है, जिनका नाम था दीप कुंवारी, जो अपने पति के साथ इसी स्थान पर सती हुई थी। इनके नाम पर यहाँ मेले का आयोजन भी होता है। इन छतरियों के पास ही एक तालाब, उद्यान और महल का निर्माण भी किया गया है, जो राज परिवार के लोग यहाँ ये छतरियां बनवाने आते थे, वो यहाँ आराम किया करते थे। जितनी इनकी संरचना आकर्षक है, उतनी ही इनके पीछे की कहानी रोचक है। हर छतरी पर उसका इतिहास, उस काल की गाथा को बताता है। बीकानेर से गुड्डी व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रायोजक हैं स्पार्कल फैमिली टूथपेस्ट और टीवीएस एक्सएल सुपर। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 है क्या बोलचे? ओ तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। खाप सा लग रहा यूं चंचल ये उड़े पवन यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने, जम के खाओ खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश, उत्तम एसएसपी। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण, डैमेज बालों को रिपेयर करे। अपना डव लौटाओ। कभी नहीं। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। अच्छी वाली चाय हो जाए मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय, इट्स हार्ड टू फ्लाई बट समवन कैन मेक इट इजी। सेम विद आईआईटी जेईई एग्जाम। EduWave is the only one who can make it easy. An institute that will take you closer to your dreams. With a set of most experienced teachers in the industry, you are sure to succeed. Join us today and we will make you fly high. For more information, visit us at www.eduwave.in. ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा छाल, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन है। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार।
कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मिल गया नतीजा। अच्छी वाली चाय हो जाए।